गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज दोपहर के बज रहे हैं 4:30 और मैं ना पड़ोस की दीदी के यहाँ पे जा रही हूँ। उनके यहाँ पे बर्थडे है बेटे का उनके, तो इस वजह से थोड़ा सा हेल्प करने के लिए उन्होंने बुलाया है मुझे। तो मैं जाके आ जाती हूँ और बस सारे काम तो हो चुके हैं मेरे घर के, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो वहाँ पर भी जाके आ जाती हूँ, उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी, और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हे गाइस मैं उनके घर पे आ गई थी और यहाँ पर दूसरी दीदी जो है जिनको उन्होंने और बुलाया था वो पड़ोस की दीदी भी आ गई थी, तो उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया था। और उनकी जो सासू माँ है उन्होंने ये सारा चीज़ें काट के दे दी थी। मतलब यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं क्या बोलते हैं वड़ा सांभर, तो ये इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होती है सांभर के लिए तो वो उन्होंने काट के रख दी थी। यहाँ पर है हरी मिर्च और कद्दू काट के रख दिया है छोटे छोटे पीसेस में, और आलू है, और यहाँ पर गोभी काट के रखी है पत्ता गोभी, और वहाँ पर बीन्स है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सांभर के लिए काट के रखी थी, तो और मटर भी डाल दिए है थोड़े से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फिर दाल में डालेंगे। तो यहाँ पर वही दीदी अभी दाल ले रही है क्योंकि उनको ना वड़ा सांभर काफ़ी अच्छे से बनाना आता है। एक्चुअली उनके हाथों का वड़ा सांभर ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसी वजह से उन्होंने उनको ही बोल दिया था वड़ा सांभर बनाने के लिए। और एक और आइटम था इडली, तो ऐसे करके हम लोगों ने इडली वड़ा सांभर बनाया था। और यहाँ पर उन्होंने दाल निकाल के दे दी थी 3 कटोरियाँ, और मैं यहाँ पर धुल रही थी दाल, तो उनके हाथ में कैमरा पकड़ा दिया था, मैंने बोला शूट भी कर लो। तो भैया वहाँ पर बोल रहे थे कि दोनों काम साथ में हो रहे हैं, और मैंने बोला क्यों ना करूँ, मतलब मेरा काम ही वही है, जहाँ पर भी जाओ मेरा व्लॉगिंग स्टार्ट हो ही जाता है। और यहाँ पर पेशेंट दिखा रही थी क्योंकि दीदी को ठीक नहीं था, दीदी गिर गई थी, तो इसी वजह से मतलब थोड़ा सा उनको तो कुछ भी नहीं हो रहा था उनसे, तो इसी वजह से हम लोगों ने उनको बोला कि आप मतलब वहीं पर बैठो, सिर्फ हमें बताओ कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे है, हम लोग सब कर लेंगे। तो यहाँ पर वो दीदी और मैं ही सारा कुछ कर रही थी। तो यहाँ पे ना मतलब सांभर के लिए मैं सांभर लगा दे रही हूँ, तो सारी चीज़ें धो ली है, मतलब दाल वगैरह और ये क्या बोलते हैं तो ये सब्जियाँ भी धो ली है, और उसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद उसमें पानी डाल के और थोड़ा सा हल्दी डाल के वो मतलब गैस पे चढ़ा दूँगी, और थोड़ी सी सीटी आने के लिए क्योंकि सांभर के लिए हमें चाहिए होगा वो सारी चीज़ें हमें चाहिए होगी। सॉरी मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है। और फिर यहाँ पर गैस पे मैं कुकर चढ़ा दूँगी, और उधर ना हम लोग फिर वो क्या बोलते हैं वड़ा बनाने की तैयारी करेंगे, जो बड़े होते हैं वो फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं कुकर में तेल भी डाल दे रही हूँ क्योंकि ना किसी के घर में हमें पता नहीं होता है क्या चीज़ कहाँ पर रखी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्या चीज़ हमें लेनी है, कहाँ से लेनी है, तो सारी चीज़ें दीदी को पूछना पड़ रहा था। ये जो गाउन पहने हुए हैं वही दीदी का घर है वो, और मेरे जस्ट सामने घर है, आपने बहुत बार उनका घर भी देखा होगा, मैं गेट के सामने अगर दिखाती हूँ तो डायरेक्ट ही आपको उनका घर दिखता है, तो वही उनका घर है। और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं पेस्ट रेडी था दाल का, और ये ना बैटर ऐसे बनाया है, मतलब अगर आप 3 गिलास उड़द की दाल लेते हो तो आपको 1 गिलास मूंग की दाल लेनी है और भिगो के रख देनी है रात को, और उसके बाद सुबह उसको पीसना है, थोड़ा सा गाढ़ा पीसना है, मतलब उसका वड़ा बने इस तरह से गाढ़ा पीसना है। और ये उनके यहाँ पे भी ये साचा था तो वो साचे से बना रहे थे, और मतलब हम लोग बना रहे थे उसी साँचे से, और इसमें नमक ऐड कर दिया था बैटर में, और उसके बाद थोड़ा सा ये ना तेल गरम नहीं हुआ था इसी वजह से मैं रुक गई थी, तेल गरम बाकी था तेल गरम होना, तो इसी वजह से ये वाला जो बड़ा है वो डाल दिया था मैंने, उसके बाद वो निकाल लिया था हमने, और उसके बाद अभी तेल गरम हो गया था तो मैं पूरे बड़े डाल रही हूँ यही वाले साँचे से। और फिर ना बाद में उन्होंने हाथों से भी बनाना सिखा दिया था मुझे, एक्चुअली ये मुझे ऐसे ही आता है क्योंकि मैं दही बड़े बनाती हूँ, तो इसी वजह से मैंने कभी ये वड़ा सांभर नहीं बनाया है, तो उन्होंने मुझे बाद में हाथों से बनाना भी सिखा दिया था कि कैसे हाथों से बनाते हैं वगैरह। ये जो दीदी है ड्रेस वाली तो इनको बहुत ही अच्छे से आता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था गाइज, मतलब आप सब लोगों ने तारीफ़ की खाने की, जो भी बना था मतलब जो भी आइटम रखे थे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत टेस्टी बने थे, तो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और बहुत पेट भर के खाया सब लोगों ने। मतलब कॉलोनी कॉलोनी वाले ही बुलाए थे, तो हमारी कॉलोनी ज़्यादा मतलब ये नहीं है, अभी यहाँ पर पास पास के ही आजू बाजू वाले ही बुलाए थे सिर्फ, तो
इसी वजह से ये एक मतलब एक लाइन वाले, हाँ आप समझ सकते हो, कॉलोनी वाले मतलब एक लाइन वाले, और यहाँ पर थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं, तो ज़्यादा घर भी नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि न्यू कॉलोनी है ये और बहुत ज़्यादा घर नहीं है, थोड़े से मतलब एक घर छोड़ के एक प्लॉट खाली है ऐसे करके है, तो इसी वजह से ज़्यादा घर नहीं है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंजॉय करते हैं साथ में मिल के, और ऐसे ही कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम साथ में मिल के मनाते हैं, उसी मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है तो साथ में मिल के मनाते हैं ऐसे, और ना किसी के घर में कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे तो, मतलब सब कुछ दीदी को पूछना पड़ रहा था, मैं पहले बोला था दीदी को कि आप रेस्ट करो, जाओ बेडरूम में सो जाओ, बट फिर बाद में बुलाना पड़ा था दीदी को, और वो जो है ग्रीन वो पहने हुए साड़ी, तो वो उनकी सासू माँ है, तो उनको भी पूछ रहे थे हम लोग भी बार बार कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, बट उनको भी इतना ज़्यादा पता नहीं है, और ये जो आया है उनका भतीजा है, मतलब भैया के भाई का बेटा, तो और यहाँ पर मैं इडली भी मतलब इडली के स्टैंड में डाल रही हूँ ताकि सारी चीज़ें एक साथ ही बन जाए और जल्दी जल्दी बने सारी चीज़ें, तो फिर बाद में हमें बर्थडे की तैयारी भी करनी होगी, क्योंकि और सांभर भी बनाना है, वड़े भी बनाने हैं, कब थोड़े से वड़े हमने बनाने के लिए रख दिए थे, थोड़ा सा पेस्ट बाद में रख दिया था ताकि हम गरम गरम वड़ा वड़े सर्व कर सके, या तो घर वाले जो रहेंगे, और यहाँ पर वो दीदी मुझे सिखा रही है मतलब हाथों से किस तरह से बड़े बनाए जाते हैं, तो ये मुझे सिखा रही थी, बट मैंने ट्राई करके देखा तो पहला दूसरा मुझे नहीं आया, और फिर इतनी स्पीड से भी नहीं आ रहा था जितनी स्पीड से वो कर रही थी, क्योंकि हमारे हाथों में जो भी चीज़ एक बार बैठ जाती है तो वो हमें बहुत जल्दी जल्दी आती है, और जो हमें आ जाता है ना तो वो फिर हम लोग बाद में नहीं भूलते हैं, तो इस तरह से अभी एक दो बार मैं बना के देखूंगी घर पर तो मुझे आ जाएगा फिर, लेकिन फर्स्ट टाइम था तो उस टाइम मतलब आज का फर्स्ट दिन था तो मेरा इसी वजह से मेरे इतने अच्छे से नहीं बन रहे थे, बट बाद में अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छे से बन जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। आप बाद में सांबर की रेसिपी ज़रूर देखना, मतलब सांबर की रेसिपी ना, सांबर इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि सारे लोग बहुत ही ज़्यादा सांबर की तारीफ कर रहे थे, और बड़ा तो टेस्टी बना ही था, तो इसी तरह से फिर हम लोगों ने ये वाला मतलब जो क्या बोलते हैं दाल और वो किया था ना, उसको रई से वो कर रहे हैं मतलब गाढ़ा हो गया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसको पानी डाल रहे, तो फिर उसमें अभी यहाँ पर पतीला रख दिया है ताकि मतलब हम लोग इधर सांभर भी बना ले, तो वहाँ पर इडलियाँ भी मेरी बन रही थी, मतलब इडलियाँ मैं बना रही थी, दीदी बड़े बना रही थी, और इधर सांभर भी फिर बन चुका था, मतलब बनाने ही वाले थे, बट ना तीन तीन पतीले वहाँ पर गैस पर नहीं बैठ रहे थे, इसी वजह से हम लोगों की थोड़ा सा जुगलबंदी चल रही थी, मतलब वो कर रहे थे हम लोग थोड़ा सा क्या करें करके, तो हम लोगों ने थोड़ा सा साइड में कर दिया था ताकि ये जो पतीले हैं थोड़े से बड़े बड़े थे, तो इसी वजह से वो नहीं आ रहे थे वहाँ पे गैस पे, और इनका जो गैस है वो तीन का है, तो इसी वजह से यहाँ पर लहसुन उन्होंने तेल डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है, राई डाल दी है, राई चटक रही थी इसी वजह से उस पर ढक्कन रख दिया है, और फिर तेल में ही उन्होंने क्या बोलते हैं प्याज वगैरह नहीं ऐड किया है, तेल में उन्होंने टोमेटो ऐड किया है, और टोमेटो गलने देना है, उसके बाद यहाँ पर ना वो क्या बोलते हैं आमचूर, वो खड़ी आमचूर थी उनके पास, तो उनको उसको हमने भिगोने के लिए रख दिया था, और हमने वो किया था उसका पेस्ट बनाया था फिर बाद में, और यहाँ पर मटर भी ऐड कर रहे हैं वो टोमेटो में ही, आप देख सकते हो इसी तरह से इसी प्रोसीजर से बनाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा आपका सांभर, और फिर जो ये मैंने दाल और उसका पेस्ट बना वो किया था तो वो भी हम लोग डाल देंगे बाद में, और यहाँ पर आमचूर का जो क्या बोलते हैं पेस्ट बना के रखा था वो ऐड करेंगे, क्योंकि इमली हमने ऐड नहीं की थी, सबकी तबीयत ख़राब थी, तो इसी वजह से वो दीदी बोलती थी कि इमली ऐड मत करो, इमली से ना वो होता है बोल रहे थे कि दवाई जो ली है वो उतर जाती है, तो इसी वजह से उन्होंने बोला था कि इमली ऐड मत करो, तो इसी वजह से हम लोगों ने वो आमचूर ऐड कर दी थी, और फिर उसमें नमक ऐड कर दिया था यहाँ पर टोमेटो में ताकि टोमेटो जल्दी गल जाए, और बहुत सारा था तो इसी वजह से बहुत सारा नमक आपको दिख रहा होगा, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके उसके अकॉर्डिंग आप लोग को नमक ऐड करना है आपके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर थोड़ा सा गर्म मसाला धनिया पाउडर उन्होंने ऐड किया है, उसके बाद मिर्च पाउडर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है आपको, और उसके बाद हल्दी ऐड करनी है आपको, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और टोमेटो ना जल्दी ही गल जाएगा उसके बाद, बहुत ही जल्दी गल जाएगा, जैसे हमने ये कर दिया है ना क्या बोलते हैं तो नमक ऐड कर दिया है तो बहुत जल्दी गल जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग एवरेस्ट का सांभर मसाला ऐड कर रहे हैं, दो पैकेट थे एवरेस्ट के सांभर मसाले के, तो बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, बहुत बड़ा बोलो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, इसी वजह से हम लोगों ने दो पैकेट ऐड किए थे, छोटे वाले जो एवरेस्ट मसाले के छोटे वाले पैकेट होते हैं सांभर मसाले के, वो दो पैकेट ऐड किए थे, और यहाँ पर थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया था उन्होंने,
उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से चला लिया था और चीनी ऐड की थी, सॉरी नमक नहीं, चीनी ऐड की थी। और चीनी भी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खट्टा मीठा लगता है मस्त सांभर, तो चीनी भी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पर उबाल आ गया था उसे, तो मैंने उसमें धनिया पत्ता जो आया है वो ऐड कर दिया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस सांभर। आप ज़रूर ट्राई करना सांभर की रेसिपी, मतलब आपको मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ कि मतलब सभी ने तारीफ की थी सांभर की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी, बट आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए ये वाली रेसिपी सिखाने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया। इसी वजह से आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसा लगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना, मतलब आपने एंजॉय किया कि नहीं ये भी ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि हम लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। मतलब हम लोग बनाते बनाते कॉमेडी कर रहे थे, हंस रहे थे, इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने उस दिन। गाइस मैं घर पे आई हूँ और हाँ वहाँ का सारा कुछ हो चुका है और ये बाप बेटे मस्ती कर रहे हैं। मस्ती मीन्स क्या चल रहा है इनका, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अद्विक को एक्चुअली अद्विक भी पीछे पीछे आ गया था, अद्विक अभी घर पे आया है और वो इसी वजह से उसके पापा उसको थोड़ा सा बहला रहे हैं। मतलब अभी मैं रेडी होके जाती हूँ वहाँ पे, केक वगैरह कट करना है। और ना वो दीदी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो कुछ दिन पहले ना बाथरूम से गिर गई थी, मतलब बाथरूम से गिर गई थी बोल रही हूँ, बाथरूम में गिर गई थी। तो इसी वजह से दीदी को वहाँ पर यहाँ पर बहुत सारी चोट आई है और उनका ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब नीचे भी झुक रही है ना तो थोड़ा सा चक्कर आ रहा है उनको। इसी वजह से हम लोगों ने एक और पड़ोस की दीदी आई थी तो उन्होंने और मैंने ही किया सारा कुछ वहाँ पे, तो उनको हमने कुछ भी करने नहीं दिया। और यहाँ पर क्या हो रहा था, और हाँ टमाटर लाए क्या आपने? तो इनको मैंने टमाटर लाने के लिए बोले थे तो ये टमाटर भी लेके आए बोल रहे हैं अभी। चलिए फिर अभी मैं रेडी हो जाती हूँ और रेडी होने के बाद मिलती हूँ आपसे। हाँ टोमेटो लेके आए और मैं घर पे नहीं थी तो वॉश वॉश नहीं किए शायद इन्होंने, ऐसे ही रखे हैं। तो चलिए फिर जल्दी से रेडी होती हूँ। और ये ऐसे क्यों दिख रहा है पता नहीं, एक मिनट। हाँ जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। आज मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये वाला ही ड्रेस पहना है मैंने, एक मिनट। हाँ तो बस इसी तरह से सिंपल से रेडी हुई हूँ क्योंकि यहाँ के आ ही जाना है, आगे का ही घर है तो इसी वजह से। और अद्विक को रेडी ये कर रहा है तो मैं अभी जाती हूँ वहाँ पे, और थोड़ा सा कुछ हेल्प भी लगेगी उनको क्योंकि सर्विंग के लिए थोड़ा सा हेल्प लगेगी, तो वो भी करने में हेल्प करूँगी। और थोड़ा सा ना वड़े को पेस्ट जो है हमने बना मतलब साइड में करके रखी है ताकि जिनको गरम बड़े भी चाहिए उनके लिए हम लोग गरम बड़े बना के दे सकते हैं। दूसरी दीदी है वो भी रेडी होने के लिए गई थी और मैं भी घर पे आई थी रेडी होने के लिए, तो अभी जाती हूँ वहाँ पे और थोड़ी हेल्प करती हूँ उनको। अद्विक भी रेडी हो गया है और ओ ओ, ओ अच्छा बस ज़्यादा मत खींचो, जाओ शू पहनो। छू शू कहाँ है आपका? तुझा माझा नहीं तुझा, मी स्लीपर घालते, मी चप्पल घालते, तू शू घाल, पप्पा पप्पा पण शू घालतात, मी नाही घालत शू, मी चप्पल घालते, तू चप्पल घालणार, मी घालते ना मग चप्पल, तू घालणार शू, हां तूच घाल तू, इकडे ये ना मग अशा इथे, हां मी शू नाही घालत, शू घाल नाही, शू घाल माझ्या ड्रेसवर शू सूट नाही होत ना, नाही ना मेरे ड्रेस पर सूट नहीं होगा ना शू, आप शू पहनो जल्दी से, नहीं आप पहनो तुम पहनो आप शू पहनो मुझे, तो अद्विक आप शू पहन लो, आप शू पहन लो नहीं मैं नहीं पहनती शू, नहीं मेरे ड्रेस पर सूट नहीं होता। चलो मेरे साथ चलना है या पापा के साथ आओगे? पापा के साथ, ओके पापा के साथ आना, ठीक है मैं जाऊँ फिर। हाँ
सो गाइज मैं यहाँ पे और आ गई हूँ, और यहाँ पर बड़े वो दीदी जल्दी आ गई थी रेडी होके, और उन्होंने बड़े जो है वो जो पेस्ट बना के हम लोगों ने रख दिया था वो और फ्राई कर रहे थे। और यहाँ पर हम मैंने क्या किया था, तब तक फिर ये डिशेस वगैरह निकाल के रख दी थी ताकि मुझे बाद में जब केक कट हो जाए तब हम लोग सर्व करने के लिए जल्दी जल्दी सर्व कर सके, इसी वजह से यहाँ पर सारा कुछ निकाल के रख दिया था फिर बाद में मैंने। और फिर ना मतलब यहाँ पर उनकी सासू माँ ने ये थाली निकाल के रख दी थी वो क्या बोलते हैं ऑक्शन करने के लिए, तो इसी वजह से। और ऑक्शन के टाइम याद आया कि पिछली बार मैंने अक्षवान बोला था, तो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बोला था कि ऑक्शन होता है अक्षवान नहीं होता है। मेरी गलती सुधारने के लिए थैंक यू डियर, मतलब मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे भी गलती होती है। आप मतलब अच्छे से प्यार से बताओगे तो मैं भी गलती सुधार लूँगी अपनी। और यहाँ पर अद्विक डांस कर रहा था, मैं आगे आपको उसका गाने के साथ डांस दिखा देती हूँ। बच्चों का डांस हो जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया था केक वगैरह, सारा चीज़ें सजा दी थी, बलून्स वगैरह थोड़े से ही बलून्स फुलाए थे, और यहाँ पर सिर्फ टीपॉय को बलून्स वगैरह लगाए थे और इसी तरह से सजाया था। और बस यहाँ पर सारे लोग वेट कर रहे हैं अभी केक कट होने का, और हम लोग और यहाँ पर ना दीदी ऑक्शन कर रही है, मतलब ये उसका नाम अभिकांश है, जो बर्थडे बॉय है उसका नाम अभिकांश है, और उसकी मम्मी उसका ऑक्शन कर रही है, और यहाँ पर मैं भी करूँगी अभी। और अद्विक ना मतलब अद्विक इतनी ज़िद कर रहा था, अद्विक बोल रहा था कि मेरा बर्थडे है मेरा बर्थडे, इसी वजह से वो चाकू लेके बैठा था और वेट कर रहा था कि कब ऑक्शन होगा और कब मतलब वो केक कट करेगा, तो इसी वजह से वो चाकू लेके पहले ही बैठ गया था। तो हम लोगों ने उसके पास दूसरा चाकू दे दिया था, और जो बर्थडे बॉय है उसके पास दूसरा दे दिया था, तो ऐसे करके दोनों भी नाइफ लेके बैठ गए थे यहाँ पे। और यहाँ पर मैं इसका ऑक्शन कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मतलब ऑक्शन करने के टाइम हंसाती हूँ बच्चों को। और यहाँ पर अद्विक वेट कर रहा था कि मेरा बर्थडे, हम लोगों ने सबने उसको बोल दिया था कि उसका बर्थडे है करके, इसी वजह से मतलब वो चाकू लेके बैठा था, तो इसी वजह से हम लोगों ने उसको बोला था कि हाँ आप ही का बर्थडे है, आप ही केक कट करोगे, तो वो वेट कर रहा था कि उसको कैसे कर रहा है, मुझे नहीं कर रहा है, तो सब लोग बोल रहे थे उसको उसको भी करो क्या, ताकि उसको पता चले कि उसका बर्थडे है करके। तो ऐसे करके मैंने उसको भी टीका लगा दिया था फिर। और जैसे ही मतलब सब कुछ हो गया उसके बाद तुरंत वो केक कट करने के लिए आया, और ना पहले ही उसने केक कट करने के लिए चाकू मार दिया था केक पे। तो हम लोग फिर सोच रहे थे कि इसको माही को बिठा दिया था वहाँ पे हम लोगों ने, और ये भैया है उसके पापा। केक का पूरा मतलब पूरा ही कर दिया था उसने सत्यानाश, और यहाँ पर सब लोग उसको केक खिला रहे हैं बर्थडे बॉय को। और फिर उसके बाद हम लोग फिर वो सर्विंग के लिए प्लेट्स वगैरह निकालेंगे, और जहाँ जो भी है मतलब सारे। और मैं केक उठा रही थी तो भैया बोल रहे थे नहीं नहीं रहने दो, अभी केक ख़राब ही होना है तो करने दो। और यहाँ पर हाँ दीदी का क्लिप रह गया था तो मैं यहाँ पर ऐड कर दिया था। ये वही दीदी है जिन्होंने वड़ा सांभर बनाया है, मेरे पड़ोस की दीदी, और यहाँ पर हमने प्लेट सर्व कर दी थी। जैसे कि आप देख रहे हो इतने आइटम थे, स्वीट्स में 3 आइटम थे, केक का जलेबी और लड्डू, और तीखे में 2 आइटम थे, इडली सांभर और वड़ा, तो यही थे। और ख़त्म हो जाने के बाद सब लोग वेट कर रहे थे क्योंकि स्मेल ही इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही थी, इसी वजह से हम लोगों ने जल्दी जल्दी सर्व किया, और जल्दी जल्दी हम लोग लेके जा रहे दीदी और मैं। तो बस इसके बाद ना दीदी मतलब सब लोग खा रहे थे, और दीदी को याद आया कि सडनली पैरट वैसे ही है यहाँ पर उनके यहाँ पे ना, ये 4 पैरट है, तो वो फिर उनको याद आया तो वो उन्हें खिला रही थी पैरट्स को। के बाद हम लोगों ने खाया था और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया गाइज उस दिन हम लोगों ने, मतलब सारे कॉलोनी के लोग मिल गए थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और उसके बाद फिर प्रोग्राम फिनिश हो जाने के बाद फिर मैं घर पे चली गई थी। गाइस घर पे आ गई हूँ, और हाँ आज ना बारिश हुई, मतलब केक कट हुआ और उसके बाद ही बारिश स्टार्ट हुई, तो थोड़ा सा जो मौसम है बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है अभी, मतलब ऑलरेडी है मौसम ठंडा ही है और उससे भी ज़्यादा अभी बारिश हो रही है इस मौसम में, तो
और हाँ अभी हम लोग घर पे आए, चेंज वगैरह किया, अद्विक ने नहीं किया अभी तक चेंज, तो अद्विक को भी दूसरे कपड़े पहना देती हूँ। और हाँ इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट की रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।